हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी और इसीलिए मैं आपके साथ अपनी कुछ खूबसूरत यादें शेयर करना चाहती हूं, और थोड़ी बहुत हैं और कुछ कल जो हमने इंजॉय किया वो वीडियो बनाई है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। वक्त कितनी जल्दी आगे निकल जाता है पता ही नहीं चलता और खूबसूरत यादें पीछे रह जाती हैं, तो सोचा YouTube के साथ वीडियो बनाकर छोटा सा अपना जो यादें हैं पुरानी उनको थोड़ा सा कैद कर लूं और जब मन करे तब इनको मैं देख सकूं और अपने फैमिली के साथ भी इसको शेयर कर रही हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज थी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी और सोचा था पहले कि घर में ही कुछ कर लेंगे, लेकिन इन्होंने ऑफिस से जल्दी आ गए और इन्होंने प्लान बनाया कि कहीं बाहर चलेंगे घूमने के लिए। तो बच्चे भी खुश हो गए कि बाहर के नाम से तो बच्चे सभी खुश हो जाते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे और फिर कर घर आ जाएंगे। तो बस ऐसे ही प्लान किया और निकल दिए। और बाहर निकलो तो बस यही होता है कि जाम इतना निकलता है कि बहुत ही ज़्यादा, और शाम के टाइम पर तो सुबह शाम तो जाम हो ही जाता है क्योंकि सबकी ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, सुबह जाना होता है, तो बस जाम तो हमेशा ही रहता है। तो बस फिर निकले और जहाँ पर इन्होंने प्लान किया था जाने का वहाँ पर हमें 7 बजे का टाइम दिया गया था कि 7 बजे तक हमें वहाँ पहुँचना है। बस फिर क्या था, जल्दी से फटाफट से तैयार होना शुरू किया और हम निकल चुके थे 6:30 बजे घर से। और बस फिर निकले, वंश को स्कूल ट्यूशन से बुलाया और आयुष को जिम से बुलाया, फटाफट से निकले तो तैयार होकर निकल चुके। जाम को देखकर लग रहा था कि टाइम से हम पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी टाइम से हम बिल्कुल पहुंच गए थे। तो फाइनली हम पहुंच गए थे बिल्कुल टाइम पर, और आयुष को और वंश को हमने उतार दिया था बाहर ही, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर ही जो जहां हमें जाना था वो जगह थी। तो बस पार्किंग के लिए हमें अंदर आना पड़ा मॉल के अंदर, तो यहां पर गाड़ी पार्क की और बस फिर हम निकल गए पैदल पैदल। वहीं से स्टेयर्स का रास्ता जाता था, ये जो गोल सर्कल है इसके यहाँ से बीचों बीच से हम निकल कर यहां ऊपर आ गए थे। और इस तरह से ये जहाँ है वहाँ पर हम एंट्री किए, और वंश जो आयुष है वो लिफ्ट में बहुत ऊपर वाली तरफ चले गए, तो वो अभी पीछे आ रहे हैं। तो मैं यहाँ इनसे पूछ रही थी कि वंश और आयुष कहाँ है, और यहाँ पर चारों तरफ म्यूजिक चल रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर म्यूजिक लगाया हुआ है इन्होंने। तो ये लिफ्ट में ऊपर चले गए थे। तो बस ये सब इकट्ठे हुए आए और फिर हमारा जो टेबल बुक था हमने अपनी बुक पर कब्जा जमाया और बैठ गए सभी वहाँ पर। देखने में तो अच्छा है और बाकी देखते हैं कैसी सर्विस है यहाँ की, अभी देखते हैं उसके बाद बताते हैं कि आप कैसी सर्विस लगी हमें यहाँ की। तो हस्बैंड ने बोला कि चलो फ़ोटो शूट करते हैं बैठकर, थोड़ा सा ऐसे ही फ़ोटो वगैरह लिया हमने। ये यहाँ पर टिक्का वगैरह लगाने के लिए ये इस तरह से कुछ रखा था, और नीचे कोयले थे और बहुत गर्माहट थी। तो दो ऑप्शन थे, नॉनवेज और वेज, तो हस्बैंड के लिए और आयुष के लिए नॉनवेज, और वंश के लिए और मेरे लिए वेज का प्लेट लगाया उन्होंने। तो वेज वालों के लिए ग्रीन डिज़ाइन बनाया हुआ था और नॉनवेज वालों के लिए ब्लैक डिज़ाइन बनाया हुआ था प्लेट के ऊपर, जिससे पता चले उन्हें कि किसकी को नॉनवेज देना है किसको वेज देना है। तो उन्होंने ये पनीर टिक्का वगैरह मशरूम वगैरह ये यहाँ पर लगा दिया था, एक साइड में नॉनवेज लगाया और एक साइड में वेज लगा दिया था। और यहाँ पर सारी जो है सब कुछ बनता था, पास्ता वगैरह जो भी आपको चाहिए वो सब यहाँ बनता था, और आप खुद भी यहाँ पर बना सकते थे कैप वगैरह लगा के ना। वंश ने बनाया था रेड सॉस पास्ता, वंश भी रेसिपी बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड था, और तो जो यहाँ के शेफ थे उन्होंने इसको रेडी किया एप्रन वगैरह पहना के, कैप पहना के, और बहुत खुश हो रहा था वंश, काफ़ी इंजॉय किया इसने। सबसे ज़्यादा इंजॉय हमेशा यही करता है, जब भी जाते हैं कहीं पे हमेशा सबसे ज़्यादा इंजॉय यही करता है। मुझे भी बोल रहे थे कि जो है आप भी इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाया तो मना कर दिया था मैंने, लेकिन ये जिद कर रहे थे बार बार कि बना लो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी मैंने मना किया। मैं कहा नहीं, बस वंश बना रहा है वो काफ़ी है। फिर इसने पास्ता बनाया, सारी प्रिपरेशन तो ये हमेशा तैयार रखते ही हैं,
तो सब्जी वगैरह सब कटी हुई थी, सॉस वगैरह बनी हुई थी, बस इसको थोड़ा सा मेथड वगैरह उन्होंने बताया और वैसे ही इसने जो है पास्ता वगैरह फॉलो किया। तो बड़े ही प्यार से बता रहे थे वो कि कैसे कैसे सब्जी लेनी है, कैसे कैसे कहाँ से क्या क्या चीज़ डालनी है, तो बहुत ही अच्छे से उनको समझाया, बहुत अच्छा सर्विस थी इनकी, सारा कुछ बहुत अच्छे से बता रहे थे, बना रहे थे और खाना भी बहुत टेस्टी था यहाँ का। तो बस लिटिल मास्टर शेफ ने अपनी रेसिपी बनाना शुरू किया और देख रहा था कि कहाँ से क्या क्या लेना है। यहाँ से मैंने वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दी क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी बन गई थी। तो बस इस तरह से सारा सामान उसने एक बाउल में अरेंज किया और बस बनाना शुरू किया। और वैसे भी वंश को खाना बनाना अच्छा लगता है तो काफ़ी चीज़ इसको बनानी भी आती है, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती इसकी वजह से, तो कर लेता है। तो देखिए देखिए किस तरह से एकदम से परफेक्ट जो है स्पून चला रहा है, तो अच्छा लगता है इसको खाना बनाना। तो इस तरह से यहाँ पर बना रहा था तो खूब इंजॉय भी कर रहा था। वाइट सॉस और रेड सॉस उन्होंने बना के रखी हुई थी, तो उसको पूछा कि आपको कौन सी बनानी है, तो वंश ने रेड पास्ता सॉस बनाया और बनी बनाई थी, तो सॉस में ऐड की और इस तरह से मिक्स करता रहा और बस बन गया टेस्टी सा पास्ता। तो बस स्नैक्स वगैरह लेने के बाद फिर हमने डिनर किया, टाइम हो गया था काफ़ी लेट, तो इस तरह से दोनों तरफ लगाया हुआ था, एक तरफ वेज था और एक तरफ नॉन वेज, तो काफ़ी अच्छी तरह से अरेंज किया हुआ था, तो एक तरफ नॉन वेज था और एक तरफ वेज था, तो मुझे वेज चाहिए था, तो मैं वेज सेक्शन देख रही थी कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या बनाया हुआ है, तो लेकिन खाया कुछ नहीं जाता, स्नैक्स इतना हो जाता है, हैवी हो जाता है थोड़ा सा, तो फिर मैंने थोड़ा सा मंचूरियन और फ्राइड राइस वगैरह ले लिया था, बस वही इंजॉय किया। वैसे मेन्यू में काफ़ी सारी चीज़ें थी। खाना खाने के बाद फिर टाइम आया था सेलिब्रेट करने का, केक कटिंग करने का। तो बस इन्होंने इस तरह से केक अरेंज किया हुआ था, मतलब जो भी यहाँ पर आता है, बर्थडे होता है तो बर्थडे के लिए कटवाते हैं और एनिवर्सरी होती है तो हमें एनिवर्सरी के लिए। तो म्यूजिक चल रहा था, हम म्यूजिक बंद करना पड़ा और उसके बाद पूरे उसमें जो है क्लैपिंग की आवाज़ गूंज रही थी और काफ़ी अच्छा लगा कि बस फिर हमने केक कटिंग किया और सब जगह तालियों की आवाज़ आ रही थी, गड़गड़ाहट आ रही थी बिल्कुल, और म्यूजिक भी बहुत अच्छा लगा रखा था, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मुझे म्यूजिक जो है बंद करना पड़ा। इन्होंने मुझे खिलाया, मैंने इनको खिलाया और बस हो गया एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। खाना वगैरह खाने के बाद बस फिर निकले बाहर और अब सोचा कि खाना भी थोड़ा सा हजम कर लेंगे, तो इसीलिए बस मॉल में ही कभी शॉप में कभी उस शॉप में ऐसे ही घूमते रहे। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी और पहली बार आए थे इस वाले मॉल में तो काफ़ी अच्छा था, बस घूमे फिरे थोड़ा सा और उसके बाद वहीं पर थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह भी किया हमने। तो केक कटिंग के बाद भी जो है केक उन्होंने हमें दे दिया था, तो बस केक का डिब्बा भी लेकर साथ में ऐसे ही घूमते रहे क्योंकि गाड़ी अंदर पार्किंग में खड़ी थी।
यहाँ पर हम इस जगह पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए थे। तो जब भी कोई प्रोग्राम होता है या फंक्शन होता है तो बस अलग अलग जगह ही जाते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा हमें। तो इस तरह से लाइटिंग लगी हुई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। तो वंश को देखो किस तरह से जा रहा है आगे आगे। तो इसके नीचे खड़े होकर हमने फ़ोटो भी लिया। और वंश पता नहीं कहाँ इधर उधर गायब हो रहा था, बस उसी को देखते रहे। कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी लिफ्ट में जा रहा है। बड़ा परेशान कर दिया उसने। और बस फिर निकले यहाँ से कि चलो अब निकलते हैं, बहुत देर हो गई थी। तो वंश कहने लगा नहीं मेरी अभी फ़ोटो खींचो, तो ये ऊपर जाके खड़ा हो गया। कहता पापा जी यहाँ से मेरी फ़ोटो खींचो, तो इन्होंने फ़ोटो लिया वंश का। और फिर ऊपर ही घूमता रहा, बार बार बुला रहे थे, नीचे ही नहीं आ रहा था। कह रहा था मेरा तो मन ही नहीं कर रहा जाने का, मेरे अभी और घूमते हैं थोड़ा सा। तो अच्छी जगह थी वैसे, अच्छा लग रहा था, लेकिन लेट भी हो गया था, रात के 9:30-10 हो गए थे। तब तो हम यहीं पर ही थे, तो घूमते रहे फिर। वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज हम आए हैं एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, एब्सोल्यूट बारबेक्यू। और आज है मम्मी पापा की एनिवर्सरी। पापा कहाँ हैं? चलो आपको सब कुछ दिखाते हैं पूरी वीडियो में। ये शूट वंश ने सबसे लास्ट में लिया था और सोचा ऐसे ही, मैं का बच्चा है मान नहीं रहा तो बना लो, तो ऐसे ही बोलने लगा। तो बस सच्ची में वक्त कितनी जल्दी हाथों से निकल जाता है पता नहीं चलता। और बस खूबसूरत यादें ही रह जाती हैं जिनको हम कैद कर लेते हैं और उनको देख देख के खुश होते हैं। अच्छा लगता है, कभी कभी इस तरह से इंजॉय करना चाहिए। तो बस ये खूबसूरत पल थे और कुछ फ़ोटोज़ लिया हमने वहाँ पर, और इस तरह से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो 18 साल में साथ में इंजॉय किया, कभी बर्थडे का, कभी करवा चौथ का, कभी एनिवर्सरी का, बस ऐसे ही चलते रहे और लाइफ इंजॉय करते रहे। और आशा करते हैं आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। आप सबका आशीर्वाद और दुआएं हैं हमारे साथ, और आप सब भी हमेशा इसी तरह से खुश रहें, हमेशा इंजॉय करें फैमिली के साथ। तो ये है मेरी छोटी सी फैमिली। और बस तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। और ये आपको मेरी ये खूबसूरत पल कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।